एम बनाने के लिए एस जैसा एक शेप बनाएंगे और हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर नीचे एक लेके आएंगे और फिर हाथ को ऐसे रख के फिर नीचे लेके आएंगे। इसे देखिए, एम बन गया। अब एन बनाते हैं। एन बनाने के लिए पेन को यहाँ पर रखकर नीचे की तरफ लाना है। एक बार और देखिए, पेन को इस पोजीशन में रखते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। यहाँ पेन को ऐसे रख के और ऐसा शेप देंगे। एन बन चुका है, अब ओ बनाते हैं। ओ बनाने के लिए ऊपर जाके यहाँ टच कराना है, उसके बाद परपेंडिकुलर नीचे की ओर लाना है और ऐसा देना है। ओ बन के रेडी हो गया है। एक बार और देखिए, ओ बन चुका है। अब पी बना लेते हैं। पी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक एस देना है, ऊपर इसको बढ़ाते हुए ऐसा लेके आएंगे, नीचे एक छोटा एस देंगे। एक बार और देखिए, अब क्यू बनाते हैं। क्यू भी ओ की तरह ही बनेगा। यहां तक ओ जैसा बना लेंगे और लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा एस जोड़ेंगे। एक बार और देखिए, यहां टच कराने के बाद ऐसा शेप देना है। क्यू बन चुका है, आर बनाते हैं। आर बनाने के लिए आपको एस देना है, ऐसा शेप देना है। यहां से आपको इसमें टच कराना है और ऊपर साइड को शेप देंगे वाला सेंटर में ऐसा। फिर से बनाएंगे, पेन को ऐसा रखते हुए ऐसा करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे
और ऊपर ऐसा लेंगे। इस प्रकार से M N O P Q R बन चुके हैं। अब इसमें हम शार्प डिज़ाइन दे देंगे पेन से। पेन की जगह आप निब 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कैलीग्राफी बन चुकी है।